गुप्ता जी को भी सही राकेश यादव मान करेंगे आदरणीय मिश्रा सर, इसके बाद अब मैं आपको सर थोड़ा सा आराम दूंगा और बड़े अंदर तहजीब के साथ गुजारिश करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज उपाध्याय जी को जो ग्रामर भी सम्मानित करेंगे। आदरणीय उपाध्याय सर, तालियां खामोश है, बिल्कुल कमजोर पर जा रही है, यही तो अंत बना तो सब बना। इसके बाद सत्येंद्र निगम जी को सम्मानित के बाद है जी, सत्येंद्र निगम जी को सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद अब मैं गुजारिश करूंगा राम जी उपाध्याय जी को, निकेश और मुकेश को सम्मानित करेंगे। अब मैं मेचन सहनी जी से गुजारिश करूंगा, वो मंच में मेचन सहनी जी, बबलू सहनी जी से, मैं बबलू सहनी जी से गुजारिश करूंगा। मृदान सहनी जी की स्मृति चिन्ह देखे थे समय की जोरदार तालियां हो गया सम्मान समारोह की कड़ी में नरसिंह विश्वकर्मा जी को सम्मानित करेंगे हमारे विश्वास तालियां बज जाए काफी आशीर्वाद करेंगे। अब मैं अनिल सैनी जी, अलंकार संगीत अकादमी का वार्षिकोत्सव था जिसमें आज इनके विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी और समापन होली के गीतों से हुआ। आपको आकर कैसा लगा? मुझे आकर यहां बहुत ही आनंद आया और बच्चों की प्रस्तुतियों को देख के मन विभोर हो गया। सर, जो बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं इस मुकाम तक या फिर इस म्यूज़िक से नहीं जुड़ पाते, उनके लिए क्या? उनके लिए यही कहना है कि वो ज़रूर आएँ, देखें, देखने के बाद समझ में आएगा कि संगीत विधा में जाने से क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और उनको हम आत्मसात करें तो कितना आगे बढ़ सकते हैं। क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे पहले तो संदेश यही दूंगा कि संगीत अलंकार संगीत अकादमी में आप लोग आइए और रंजय सैनी जी के प्रबंधकीय में आप अपने संगीत की शिक्षा को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाइए और होली की आप सबको शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले तो मैं रंजय सैनी आप सभी लोगों को जो भी यहाँ पे आए उपस्थित हुए अतिथि लोग, बच्चों के पेरेंट्स लोग सबको धन्यवाद कहता हूँ, आभार हूँ मैं उन लोगों का। और हमारी संस्था जो है अभी 1 ईयर से चल रही है, 1 साल से, हमारी यही पहल है कि हम लोग संगीत को जो है अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुँचाएँ। यहाँ की जो प्रतिभाएँ विलुप्त हो रही हैं, जो हम लोग की जो लोक कलाएँ विलुप्त हो रही हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उसको हम लोग प्लेटफॉर्म दें तो अच्छी से अच्छी शिक्षा दे के उसको उस मुकाम तक पहुँचाएँ। किस तरह का ये डांस है, सिंगर क्या क्या है इसमें? अभी देखिए, जैसे हमारे यहाँ तो होता है ना कि जैसा माहौल वैसा प्रस्तुति दी जाती है कलाकारों को, तो जैसे कि होली का माहौल चल रहा है तो हम लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें कुछ लोक गीतें थीं, होली की गीतें थीं, हिंदी सॉन्ग थे, कुछ क्लासिकल वगैरह भी थे, कुछ गज़ल भी प्रस्तुत किए, इस तरह के गीते होली के उपलक्ष्य में नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे घर वाले किसी और चीज़ में लगा देते हैं जी, उनका मन होता है ये म्यूज़िक में आने का, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैसेज है कि पेरेंट्स, मतलब मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो लोग संगीत को जो है नाच गाना ना समझ के एक कला समझें और हमारा सहयोग करें। और जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, उनको अगर कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो हमसे जुड़े, हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किस तरह का चार्ज? देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि कई तरह के हैं, रेगुलर क्लासेज भी चलते हैं और वीकेंड क्लासेज भी चलती हैं, तो उसकी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। बस बशर्ते है कि जो बच्चे बिल्कुल मतलब नहीं पहुँच पा रहे, मतलब जो या अनाथ हैं या जो विकलांग हैं या जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग से रहे, उनके लिए हमारे यहाँ फ्री शिक्षा है और कम से कम में शिक्षा ग्रहण की जाती है वहाँ पर। कार्यक्रम कैसा रहा आपका? कार्यक्रम हम क्या बताएं, दर्शकों को बताएंगे अपने तरफ से। मैंने पूरी कोशिश की कि दर्शकों को मनोरंजित कर सकूं, क्योंकि कलाकार का मकसद ही होता है कि जहाँ बैठा हो, जहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हो, वहाँ के दर्शक मनोरंजित हों, जब तक प्रोग्राम चले वो लोग बोर ना हो, अच्छे से अच्छे इन्जॉय करें उस चीज़ों को। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की, बाकी दर्शक इसके बारे में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये अलंकार संगीत अकादमी जो है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मऊ की एक पहल है जो ऐसे बच्चे हैं जो संगीत से लगाव रखते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है,
लेकिन ये एक संगीत सीखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, जो हमारी संस्कृति जो है विलुप्त होती जा रही है, जो पुरानी हमारी संस्कृति थी गाने की, भोजपुरी, फाग और तमाम चैता इत्ता जो गाने होते थे लोग आज भूल चुके हैं, उसको इस एकेडमी ने बहुत अच्छा जो है शिक्षा दे रही है बच्चों को। और बहुत अच्छा लगा इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम में, इनके बच्चे बहुत अच्छे प्रस्तुति किए। सबसे पहले मैं सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। मैं सत्येंद्र निगम, जो अलंकार म्यूजिक इंस्टीट्यूट के एकेडमी के मतलब छात्र हूँ। मेरा घर बड़े अस्तीपुर में है, तो हमें मेरा अध्यापक जो रंजय सैनी जी हैं, मतलब हम लोग यहाँ सीखने आते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा लगता है बस संगीत। मतलब मेरे पिताजी और मेरे माताजी मतलब उतना समझते नहीं हैं, पहले के लोग हैं लोग, तो हम लोग बताते हैं तो लोग मतलब थोड़ा बहुत समझते हैं लोग, तो सीखने का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, तो बहुत कुछ अच्छा लगता है सीखने में। कितने दिन से आप इसमें आए हैं? अभी मुझे मतलब करीबन 6-7 महीने हुए सीखते हुए। कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखते समय, मतलब सर सब बहुत सहयोग है, बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग सिखाने के लिए। और भी बच्चे आपकी तरह आना चाहते होंगे यहाँ तक, म्यूज़िक सीखना चाहते होंगे लेकिन किसी कारणों से नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या? देखिए मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब म्यूजिक में बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है गाएगा नाचे गाएगा, मतलब बहुत लोग मतलब दूसरे तरीके से देखते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संगीत को समझें और मतलब बहुत सारे संगीत के बारे में मतलब अच्छा समझें और उसको प्रस्तुत करने का मतलब अच्छा तरीका है, मतलब समझिए। सबसे पहले तो मैं BTS न्यूज़ के देखने वाले का सबसे धन्यवाद, और मेरा नाम गीतकार विशाल यादव पड़ेगा और मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कब से आप इसमें आया, एकेडमी में ज्वाइन किए? एकेडमी में सर मैं तो 9 फरवरी से ज्वाइन किया हूँ, अगले 9 फरवरी से। कितना कुछ बदलाव नज़र आया? और पहले से सर बहुत बदलाव नज़र आया, और जो कि हमको जो जानकारी नहीं थी हमारे गुरु तुल्य द्वारा मिला और आगे तक सीखने का मौका मिला। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो सर बहुत अच्छा लगता है, जो कि हम इस एकेडमी में आने के द्वारा हमको बहुत अच्छा लगा, और आने वाले लोगों को सिखाने का मौका, और गीत के जो प्रस्तुति हम करते हैं जो हम लिखते हैं उसके तरह सिंगरों को आगे तक देने का कोशिश करते हैं।